सेवा जोहार सगजन। तो चलिए सगजन, आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पीडीएफ लेके आया हूँ, जिस बुक पीडीएफ का नाम है विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। ब्राह्मण विदेशी है, यह नए वैश्विक डीएनए अनुसंधान का अंतिम फैसला। लेखन तथा अनुवाद प्रोफेसर विलास खरात, जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के। और इस बुक का प्रकाशन हुआ है 9 मई 2020 को। प्रकाशक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर, मकान नंबर 11200 जीएफ केला कोठी डोरीवालान गौशाला रोड रोहतक के पास नई दिल्ली। टाइप सेटिंग है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली। मुख्य पृष्ठ प्रकाश जाधव कोल्हापुर के द्वारा लिखे। मुद्रक है छत्रपति प्रिंटिंग प्रेस, सर्वे नंबर 4554/311 केशव नगर मुंडवा पुणे। समर्पण मूल निवासी राष्ट्रवाद के जनक महान सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक पीढ़ी अर्थात नाग लोग तथा इन नाग लोगों के महान नेता महापुरुष तथागत बुद्ध सम्राट अशोक फुले साहू अंबेडकर और पुरातत्व तथा डीएनए अनुसंधान का निष्पक्षता से अध्ययन करने वाले अनुसंधानकर्ता सर मार्टिन व्हीलर और डॉक्टर माइकल बामसाद और डेविड रिच इन्हें समर्पित। तो इस पीडीएफ में आपके लिए क्या खास है सगजन, मूल निवासियों के लिए क्या खास है, यहाँ पे अब बता रहा हूँ। आक्रमणकारी विदेशी ब्राह्मणों ने हिंसा के जरिए सिंधु सभ्यता नष्ट की। अनुसंधान करता है सर मार्टिन व्हीलर, लेकिन इसे हमारे मीडिया में नहीं बताया जाता। प्रस्तावना है माननीय वामन विश्राम के द्वारा। इतिहास में बेहद जालिम बेरहम लोगों की जानकारी डीएनए संशोधन के जरिए उजागर हुई। कालीन बरास भारत में आर्यों को स्थानांतरण नए अनुसंधान से पुष्टि कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ इसका पुष्टि और उसका रिपोर्ट। राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट के बारे में ब्राह्मण बनिया मीडिया ने झूठी खबरें क्यों फैलाई, ये अनुसंधान है, ये रिपोर्ट है प्रोफेसर विलास खरात जी का। डीएनए अनुसंधान के जरिए भारतीय अनुवांशिकता की गुत्थी सुलझी। ये अनुसंधान करता है डॉक्टर प्रताप चाट से। डीएनए अनुसंधान की सहायता से खोज मूल निवासियों की संचित धन में। निवासी राष्ट्रवाद से ही देश में खुशहाली होगी, प्रोफेसर विलास खरात। मूल निवासी राष्ट्रवाद से ही विश्व का कल्याण होगा, डॉक्टर प्रताप चाट से। उपसहार है ब्राह्मण आखिर विदेशी। अब इसमें जो मूल रिपोर्ट दिए गए हैं सगजन, मूल डीएनए रिपोर्ट हड़प्पा सभ्यता की अनुवांशिकता में स्टेप प्रदेश के घुमंतु व ईरानी खेतिहरों के गुणसूत्र का अभाव। 12 साइंटिस्ट का डीएनए रिपोर्ट। दक्षिण और मध्य एशिया की अनुवांशिक संरचना। यहाँ पे जो यूरोपियनों ने डीएनए सर्च का दावा किया था उसका खंडन। द टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ ही नहीं, उन्होंने ऐसा दिखाया है। सिंधु सभ्यता के मूल निवासियों में अलग ही अनुवांशिक वंशावल कुल थी। जीनोम रिपोर्ट, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, देखेंगे और खंडन करने का कोशिश करिए। लेकिन सगजन, ये जो बुक है पीडीएफ है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ पर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने मूल निवासियों तक शेयर करने का कोशिश करें। शेयर कीजिए ही सगजन।
और इसमें जो है वो खंडित करने वाले लोग बहुत आएंगे, लेकिन उनसे मेरा यही कहना है कि आप इस पीडीएफ को, इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद ही नीचे में कमेंट करें, वरना यहाँ अन्यथा गंदगी ना फैलाए, कमेंट में आके गंदगी ना फैलाए जब तक आप इस बुक को पूरा ना पढ़ ले। और इसमें जो दिया गया है वो सभी अनुसंधान रिपोर्ट है, मतलब कहीं से ऐसा नहीं लिया गया है, सभी जो है वो पुख्ता सबूत है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप केस कर सकते हैं। सादर सेवा, जोहार सगजन।